हे एवरीवन, तुम्हारा भाई फिर से आ गया तुम्हारे लिए बहुत सारे कन्फ्यूजन्स के सोल्यूशन लेके। तो हाँ, 11th में अगर हो आप तो आपको जरूर प्रॉब्लम आई होगी इंग्लिश सेलेक्टिव इंग्लिश कोर्स सब्जेक्ट चूज करने में। व्हाट इज दिस अप्लाइड मैथमेटिक्स, ऐसे प्रॉब्लम्स हमें आते रहते हैं। अब देखो इनका क्या है, प्लस CBSE ने अब तक जो अपडेट किए हैं, 5 अप्रैल है आज तक जो भी अपडेट किए हैं इसका क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपका कौन सा एग्जाम होगा, कौन सा नहीं होगा, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहो। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार रेड बटन को प्रेस करो और बेल आइकन को भी दबा के जाओ। चलो अब बात करते हैं सबसे पहले उनकी जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि सर इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर क्या है। मैं पर्टिकुलरली हर कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा। अब इंग्लिश कोर और इंग्लिश इलेक्टिव का अगर तुम मीनिंग ही समझ गए ना, आपको पता चल जाएगा यार इंग्लिश इलेक्टिव का मतलब होता है कोई सेलेक्टिव कोर्स हमें चूज करना है, दैट इज नॉट कंपलसरी। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम इलेक्टिव इंग्लिश इलेक्टिव चूज ही करें, बट इंग्लिश कोर, कोर का मतलब होता है कंपलसरी। हमें ये स्कूल में अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे इंग्लिश कोर चूज करना पड़ेगा। बट इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, जो आप चाहते हो अगर आप इंग्लिश इलेक्टिव चूज करो, तो इनका एक ड्रॉबैक ये है कि आप क्लास 12th के बाद इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये स्पेशली किस लिए होता है, ये स्पेशली आपके लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल्स को और कोई प्रोफेशनल्स जगह जहाँ पर आपके कम्युनिकेशंस को मांगते हैं उन जगहों पर आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ये आपको एक सर्टिफिकेट टाइप की मिल जाएगी इंग्लिश सेलेक्टिव का कि हाँ बच्चे ने इंग्लिश सेलेक्टिव किया है, मतलब इसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बेसिकली बहुत अच्छी है। इंग्लिश कोर्स इसका कुछ लेना देना नहीं था, मतलब आप 12th के बाद इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट लेके कोई भी ना ग्रेजुएशन ना पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप इंग्लिश कोर चूज़ करो, जो कि हमें स्कूल वाले बिना हमसे पूछे दे देते हैं। ठीक है, तो बस पता होना चाहिए आपको डिफरेंस कि इंग्लिश सेलेक्टिव और कोर में डिफरेंस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस ये है, इलेक्टिव का मतलब होता है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और कोर का मतलब होता है कंपलसरी हमें लेना होता है। अगर आप चाहो तो आप इंग्लिश इलेक्टिव भी ले सकते हो कोर को छोड़ के। ठीक है, नाउ अब अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या है। इस साल 2021 में हमने अगर सिलेबस देखा होगा 11th क्लास का कोई भी स्ट्रीम, तो उसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या है, 241 कोड नंबर है। अप्लाइड मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स, हमें मैथमेटिक्स को अप्लाई करना है। ये बेसिकली किसके लिए है, अगर स्टूडेंट ने बेसिक मैथ लिया है क्लास 10th में, स्टैंडर्ड नहीं लिया है, बेसिक मैथ लिया है, तो हमें क्या बताया गया था कि तुम बेसिक वाले हो, तुम आगे चलकर तुम मैथ नहीं ले सकते हो। बट CBSE ने इसीलिए अप्लाइड मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है। कहा है उसने कि जो बच्चे कॉमर्स, सोशोलॉजी और अपना इन सब चीज़ों, इकोनॉमिक्स, इन सब चीज़ों में जाना चाहते हैं और वहाँ पर भी मैथ की ज़रूरत पड़ती है, तो तुम अप्लाइड मैथमेटिक्स ले लो। भाई तुम अप्लाइड मैथमेटिक्स ले लोगे तो तुम्हें जो हल्की फुल्की मैथ की ज़रूरत है ना, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, इन सब चीज़ों में, सोशोलॉजी में, तो वहाँ आपकी ज़रूरत पूरा करने के लिए इसने अप्लाइड मैथमेटिक्स दिया है। मतलब बेसिक वाले अगर मैथ लेना चाहें तो वो अप्लाइड मैथमेटिक्स लेंगे, स्टैंडर्ड वालों का वही पुराना मैथ जो हमारा कंपलसरी है वो लेना पड़ेगा। अब इसकी ड्रॉबैक क्या है, अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स लेते हो तो अप्लाइड मैथमेटिक्स पर्टिकुलरली आप मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आप अप्लाइड मैथमेटिक्स लेके नहीं कर सकते हो, आपको कंपलसरी मैथमेटिक्स लेनी पड़ेगी जो दूसरा है। ठीक है, अब अप्लाइड मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है, क्या करिकुलम है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं उसका डिस्कशन नहीं करूँगा। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये डिफरेंस क्या है अप्लाइड मैथमेटिक्स में, क्योंकि बहुत क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाता है। आप जान के चलो अप्लाइड मैथमेटिक्स मतलब हल्की फुल्की मैथमेटिक्स जिसका कैलकुलस और सेट्स फंक्शन, नंबर सिस्टम, ये कुछ सिलेबस हैं उसमें। आपको इसमें बस इतना सिखाया जाएगा कि हाउ टू अप्लाई मैथमेटिक्स इन आवर डे टू डे लाइफ, हम अपने जो बेसिक हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ को छोड़कर। फॉर एग्जांपल हमने साइंस स्ट्रीम नहीं लिया है, हमने ले लिया है कॉमर्स स्ट्रीम लिया, हमने आर्ट्स स्ट्रीम लिया है, तो आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए जा सकते हो। आप अप्लाइड मैथमेटिक्स लो, आपकी जिंदगी मैथमेटिक्स के लिए भी चलेगी और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना पड़ेगा। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स बेसिकली बेसिक स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने क्लास 10th में बेसिक लिया था और उन्हें ग्रेजुएशन नहीं करनी है मैथमेटिक्स से, तो वहां पर अप्लाइड मैथमेटिक्स उन्होंने दे दिया कि भाई तुम पढ़ना चाहते हो तो 11th 12th लेके अप्लाइड मैथमेटिक्स से पढ़ो। अब इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव का मतलब पता चल गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स का मतलब पता चल गया। अब मैं आपको कुछ रनिंग वे में अपडेट्स बता देता हूं जो आज तक CBSE ने किया है। बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके मन में कि क्या एग्जाम्स हमारे जो बचे हैं, क्योंकि CBSE ने सीधा कह दिया ऑल इंडिया के लिए निल,
निल एक वर्ड उसने यूज किया है कि कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, और बाकियों के लिए उसने कुछ सब्जेक्ट दिए हैं। अब देखो क्लास 12 के लिए भी उसने कुछ सब्जेक्ट दिए हैं, तो सबसे मेन डाउट हमारा इसमें ये आता है कि क्या मैं जो अपीयर हो चुका हूँ जिस एग्जाम में, अगर वो एग्जाम भी उस नए जो 1 अप्रैल को उसने प्रेस नोट रिलीज किया था उसमें जो सब्जेक्ट्स थे उसमें अगर हमारा सब्जेक्ट है तो क्या मुझे एग्जाम देना पड़ेगा? तो हाँ देना पड़ेगा, आपने उसे दे दिया है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने पर्टिकुलरली इस टाइम टेबल को क्यों डिजाइन किया, क्योंकि कुछ सेक्शंस बच्चे हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अपीयर नहीं हो पाए हैं या सीबीएसई उन एग्जाम्स को कंडक्ट नहीं करा पाई है, तो सीबीएसई एक नए सिरे से उन सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम लेगी। उसने सीधा कहा है कि क्लास 1st to class 8 बिना किसी कंडीशन के उन्हें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। दूसरा उसने कहा था कि क्लास 9th और 11th के लिए कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने अपने एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाए हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया और भी गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल्स हैं उसमें क्लास 9th और 11th के एग्जाम्स नहीं हुए, उनके लिए उसने सजेशन किया कि आप बच्चे को 9th से 10th और 11th से 12th में प्रमोट कर सकते हो। सारे स्कूल्स जिन्होंने क्लास 9th और 11th के एग्जाम्स नहीं लिए हैं सीबीएसई बोर्ड के हैं अगर वो, ठीक है, तो आप क्या करो, आप 9th से 10th में प्रमोट कर दो, 11th से 12th में प्रमोट कर दो, लेकिन ऑन द बेस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, जो आपने पीरियोडिक टेस्ट लिए हैं, जो आपने प्रोजेक्ट्स लिए हैं, जो आपने क्लास टेस्ट लिए हैं, उस बेस पर आप उन्हें प्रमोट कर सकते हो। अगर वो तब भी फेल हो रहे हैं तो उनके लिए एक ऑप्शनल एग्जाम का अरेंजमेंट करवाओ और वो ऑनलाइन या ऑफलाइन आप ले लो। उसके बाद उसने कहा है कि अगर जहां तक हमारी डेट की बात आती है, रीशेड्यूलिंग ऑफ क्लास 10th एंड 12th के एग्जाम्स की बात आती है, इसने कहा है कि बोर्ड ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है, र्यूमर्स को अवॉइड करिए और कम से कम 10 दिन पहले वो आपको बता देगी एग्जाम लेने से पहले। अब कॉपी चेकिंग की बात की है उसने कि अभी करेंट सिचुएशन की वजह से वो कॉपी चेक नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आपको उसने कहा है, सजेस्ट किया है कि किसी भी रूमर्स पर ध्यान ना दो और 3-4 दिन पहले कॉपी चेकिंग के ये सारे स्टेक होल्डर्स मतलब हम तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक बटन दबा दो यार, हमें मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब भी करके जाना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।